हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए, इंग्लिश कॉमन एरर। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है SSC MTS, इंग्लिश कैसे क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे कि कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे अगर आप कम भी ध्यान देते हो तो सेक्शन आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के हमने सेक्शन को बांट रखा है कि हम किसे कैसे कैसे इसको पढ़े। क्लियर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। नाउ मूविंग ऑन, देखिए कि इंग्लिश सेक्शन में आपको आने वाला MTS SSC MTS के एग्जाम में क्या क्या है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉमन एरर्स। क्लियर, सेकेंड आते हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके वोकैबुलरी सेक्शन के आ गए। यहाँ पे आपको क्या होता है कि सिर्फ याद करना होता है, यहाँ पे आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाते हैं कि कौन सा ग्रामर रूल्स पढ़े और कौन सा ग्रामर रूल्स हम ना पढ़े। क्लियर, जो मैं आज आपको ये टॉपिक लेकर के चलूंगा। क्लियर, सेकेंड सेक्शन में आते हैं वोकैबुलरी, जो कि सिर्फ आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद करते हैं। क्लियर, सेकेंड टेस्ट, सेकेंड में आते हैं सॉरी थर्ड पे क्लोज टेस्ट। अब यहाँ पे देखें क्लोज टेस्ट में, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रामर टेक्निक लगती है, बट यहाँ पे है प्रैक्टिस कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर, थर्ड सेम चीज आपको पैसेज में आता है कि आप पैसेज कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब इन दोनों को करने के लिए मेरा जो सजेशन ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर का अगर ओनली एडिटोरियल आप अगर पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के लिए ज्यादा आप करना नहीं, अगर एक ही न्यूज़पेपर ले ले और एक वीक उसको अगर पढ़ा जाए तो पैसेज और क्लोज टेस्ट में ये हो जाएगा कि आपकी रीडिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और जब रीडिंग पावर स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक है कि जो भी फिलर्स यहाँ पे क्लोज टेस्ट होते हैं फिलर्स होते वो आप इजिली भर पाओगे। अब थर्ड में आते हैं इडियम फ्रेज रिप्लेसमेंट। सेंटेंस में अंडरलाइन करके दिया हुआ होता है कि ये जो इडियम या फ्रेज है इसे किससे रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो ये भी चीज आप वोकैबुलरी सेक्शन में लेके चले कि वोकैबुलरी में ही ये सेक्शन आ सकता है। क्लियर, तो देखिए हम यहाँ पे कॉमन एरर्स, हम आपको पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर MTS के एग्जाम से पहले सारा चैप्टर हम आपको करा चुके होंगे, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज जो हम सेक्शन लेके चल रहे हैं वो आपका है कॉमन एरर्स। क्लियर, तो हम आगे आपको देखते हैं कि कॉमन एरर्स, आपको हम एक प्रीवियस पेपर उठाता हूं मैं आपको, आज मैं आपको एक प्रीवियस पेपर 2013 का लेकर चलता हूं। क्लियर, और सबसे बड़ी बात यहां पे हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं बताने वाले, तो कंप्लीट डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन होगी इसकी कि अगर एरर है तो ये कौन से सेक्शन में हमको ग्रामर के किस सेक्शन में पढ़ना है, और कौन कौन से रूल्स अगर इस तरह के एग्जाम्स में हमें एरर दिए जाते तो कौन कौन से रूल्स इसके लिए अप्लाई होंगे। तो अंत तक ये वीडियो देखते रहिए, फिर मैं आपको सारी डिटेल एरर से रिलेटेड सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं प्रीवियस पेपर 2013, जो कि आपके SSC MTS में पूछे गए थे 2013 में। तो वेरी इजी, आपको आई थिंक कि सभी को पता होगा कि इसमें एरर कौन है। अगर थोड़ा सा ट्राई किया जाए कि एरर कहाँ है तो मैं आपको एक दो सेकेंड का टाइम दे सकता हूं, आप ट्राई कर ले, फिर आप आंसर हमारे एक्सप्लेनेशन से मैच करेंगे। क्लियर, तो देखा जाए आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एरर कहाँ है आई थिंक पता चल गया होगा, ये एरर हमारा हिम में है। अब एरर क्या है ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा कंप्लीट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम बता दे ही होगा एंड क्लियर, वाई ही होगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि ठीक है ही होगा तो उस समय तक तो आपको याद रहता है, जब आप एक्सप्लेनेशन सही से नहीं जानते तब थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के बाद आप क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको डिटेल बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे ही होगा तो
क्यों होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अब देखें ये जो एरर है ये है कहां से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एरर आपके प्रोनाउन चैप्टर से लिया गया है। क्लियर। अब वहां पे ये एरर क्या होता है। क्लियर। तो अब देखें कि ये प्रॉब्लम आखिर आया कहां से। तो हम बता रहे हैं आपको ये प्रोनाउन चैप्टर से लिया गया है और यहां पे सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना क्या होता है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है सबको पता होगा पर्सनल प्रोनाउन होता कौन है। जो हम लोग जानते हैं आई वी यू दे ही शी इट। क्लियर। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अब यहां पे आते हैं हमने बताया आपको इसके सीक्वेंस पढ़ना होता है। अब सीक्वेंस में पढ़ना क्या होता है ये हम देख ले। सीक्वेंस में सबसे पहले यहां जानना होता है कि अगर आई है तो इसके साथ एम लगेगा ये हम नॉर्मल में जानते हैं। वी यू या दे हो अगर कोई हमें प्रोनाउन वर्ब यूज करना हो इसके साथ तो आर लगेगा जनरली हम जानते हैं। बट अगर दे दिया जाए कि अगर दो प्रोनाउंस एक साथ आ जाए तो किस ऑर्डर में ये अपने आप को सजाएगा। क्लियर। अब देखे जैसे हम आपको बोलते जैसे यहां पे आपको दिया गया आई और हिम। हिम तो होगा नहीं क्यों क्योंकि ये आर का सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट जुड़ेगा तो अपने साथ सब्जेक्ट ही लेगा कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेगा। तो यहां तक आंसर क्लियर होगा कि ही हो गया। अब हम बता रहे थे आपको कि ही आखिर होगा क्यों। तो एक ऑर्डर होता है वहां पे 2 3 1 ये आपके पर्सनल प्रोनाउन अगर तीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते अगर तीनों के प्रोनाउंस आपको दिए हुए हों तो हमें इस ऑर्डर में सजाना होता है 2 3 1 के ऑर्डर में सजाना होता है। अब यहां पे दिया क्या गया है वन और आई एंड हिम दिया गया। क्लियर। अब एक ऑर्डर होता है 2 3 1 टू कहने का अर्थ हो गया सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड एट लास्ट फर्स्ट पर्सन। ऑर्डर आपको याद रखना है 2 3 1 अगर एकदम शॉर्ट में याद रखना है तो आप याद रख सकते 231। जब भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें 231 के फॉर्म में सजाने हैं। अब यहां पे हम इसे सजा दें तो ये यहां आ जाएगा ही एंड आई जो आपका करेक्ट जो आपका सीक्वेंस होगा होगा क्या। अब इसमें सेकंड पर्सन है नहीं बचा कौन थर्ड और वन जो आपको यहां पे दिया हुआ थर्ड पर्सन पहले आ जाएगा ही और फर्स्ट पर्सन यहां चला जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ही एंड आई हो गए। अभी भी अगर आपको यहाँ पे अधूरा एक तरीके से बोलूं कि 2 3 1 आपने जान लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा सीक्वेंस जान लिया। अब देखिए कि अगर मान लो 1 नहीं हो तो 2 3 के ऑर्डर में सज जाएगा अगर 3 नहीं हो तो वो 2 1 के ऑर्डर में सजा दिया जाएगा। क्लियर। अब बात आती है कि क्या 1 2 3 ऑर्डर भी संभव है 1 + 2 + 3 क्या ये ऑर्डर भी संभव है। तो अब देख ले यहां पे रूल में थोड़ा सा हम आपको ट्विस्ट दे रहे कि जब 2 3 1 होगा तो ये गुड सेंस के लिए यूज होगा। जब आपका सेंटेंस में गुड सेंस आ रहा हो तो 2 3 1 यूज होगा लेकिन जब आपके सेंटेंस में रॉन्ग सेंस आ रहे हो तो हमें उस ऑर्डर को चेंज करके 1 2 3 के ऑर्डर में करना होगा। जैसे अगर लिख दिया जाए आई यू एंड ही आर अरेस्टेड तो ये गलत सेंस होता है। तो जब यहां पे आएगा अरेस्टेड आ गया यानी जब भी उसे रॉन्ग सेंस का अर्थ होगा तो हमारी ऑर्डर होगी 1 2 3। क्लियर। तो ये प्रोनाउन के पूरे सीक्वेंस होते हैं। एक होता है अगर गुड सेंस आ रहा हो तो हमारे पास होगा 2 3 1 अगर हमारे पास रॉन्ग सेंस हो गया बैड सेंस हो गया उसके लिए हमारे पास ऑर्डर होंगे 1 2 3। क्लियर। ओके फ्रेंड्स चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स एंड फाइनली नो एरर। ट्राई करके देखिए अगर कहीं एरर आपको पता चल जाए।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि जैसे बैंक क्लर्क हो गए या बैंक पीओ, जितने बड़े बड़े कॉमन हीरो वहां पे आते हैं एसएससी में, उसके मुकाबले आप 1/4 बोल सकते हैं, इतना छोटा ये कॉमन हीरो है। यहाँ पे सिर्फ छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जो आपको पकड़ना है। देखा जाए कहाँ पे मिलेगा हमें कॉमन हीरो में, सब्जेक्ट हमारा है वन। अब देखिए इस सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, डैट इज डियर। अब देखिए यहां फिर से प्रोनाउन से ही प्रॉब्लम दिया गया है, अब देखिए कि दिक्कत क्या है यहाँ पे। तो आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, क्लियर। जब ये दोनों होते हैं, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ इनका यूज किया गया हो और इनका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ ही बताया गया हो, तो उनके लिए एक खास जो रूल अप्लाई होता है, होता है कि वन है तो अपने जैसा ही वो पोसेसिव एडजेक्टिव लेगा। तो देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट हमारा वन दिया हुआ है, अगर सेम इसी के लिए अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, दूसरा का नहीं। अब यहाँ पे लिखा है वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। अब दियर यहाँ जब भी अपना बताना हो, एक बात याद रखेंगे, जब भी अपना बताना हो तो जो सब्जेक्ट होते उन्हीं का अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया या प्रोनाउन हो गया, उसी सब्जेक्ट वाला आएगा आपके। अब वन सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होने क्या चाहिए। अब बात आती है कि हमने इधर तो पकड़ लिया कि दियर में प्रॉब्लम है, दियर नहीं होगा। अब वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका वंस होता है, तो ये रूल्स अगर आपको याद है तो हमेशा याद रखिए कि जब भी अपना बतलाना हो। अब कहा यही जा रहा था कि किसी को भी, वन का मतलब एक जेनरिक सेंस में यूज किया गया, किसी को भी अपने माँ और पापा की क्या करनी चाहिए, लुक आफ्टर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्लियर। तो कभी भी ऐसा ना हो कि वन आए और यहाँ पे डियर हो, या समटाइम्स यू विल बी गिवन हीज और हर, कभी ऐसा भी हो कि आपको हीज या हर दे दिया जाए। तो कभी भी अपना वाले सेंस में सब्जेक्ट वन के साथ उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वो है अपना वंस। अब इसी तरीके से हम देख ले कि सबका अपना अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ही का होता है हिज, शी का हर, यू का योर, दे का दियर। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिया जा सकता है कि दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, अगर हम देयर दे दे तो ये भी ध्यान रखना है कि दियर होता है TH E I R, सेम आई का माई होता है और वी का आर होता है, क्लियर। अब कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमने लिखा है शी प्लेस द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टर, फाइंड आउट करके देखिए एरर आपको कहाँ है, क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमें एरर फाइंड आउट करनी है कि एरर हमारा होगा कहाँ। सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, सही जा रहा है, सही जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रीपोजिशन यूज कर दिया गया है जो थोड़ा सा शक के घेरे में भी लग रहा है कि शायद ये गलत हो। शी प्लेस द ऑफरिंग, ऑफरिंग क्या होता है, जो हम लोग भगवान को चढ़ाते, चढ़ावा या जो भी बोल सकते हैं, क्लियर। टू गॉड, भगवान को चढ़ाया। अल्टर, डू यू नो अल्टर का मतलब होता है वेदी स्थल। वेदी स्थल कहने का मतलब हो गया कि जहां पे हम लोग कुछ भगवान को ऑफर करते हैं, क्लियर। अब देखिए जब किसी जगह पे हम जाकर ऑफर करेंगे तो इन नहीं हो सकता, यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका, ऑन, ऑन द अल्टर, क्लियर। अब इन कहां यूज करते हैं, ऑन कहां यूज करते हैं, हम थोड़ा सा देख ले। जब कोई फ्लैट चीज हो और इसके ऊपर कुछ हो या कुछ रखते हो, उस सेंस में हम लोग ऑन यूज करते हैं। अगर ये स्टैटिक अवस्था में हो, स्टैटिक कहने का मतलब हो गया स्थिर जब हो तो ऑन यूज करेंगे, यदि ये मोशन में हो, यदि ये मोशन में हो तो अपॉन यूज करेंगे। इन कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होता है तब हम लोग इन यूज करते हैं,
क्लियर। अब कोई डॉट यहाँ पे नहीं रह गया होगा कि जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगा, स्टैटिक अवस्था में होगा तो ऑन होगा, अगर मोशन में होगा तो अपॉन होगा। क्लियर, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, फाइनली नो एरर। अब कोशिश करके देखिए कहीं एरर आपको जल्दी नजर आ जाए। तो देखते हम स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हम देखेंगे कि एरर आपको है कहां। शुरुआत कर दे टीचर्स, प्लुरल नाउन, हम लिखते जाए कंफर्म होने के लिए कि एरर आखिर हमें मिलेगा कहां। टीचर्स वर, कोई दिक्कत आई थिंक यहां पे नहीं लग रहा है। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी इसके साथ प्लुरल वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट आपको मिल जाए सिंगुलर नाउन तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर, अब हम आते हैं यहां तक सेंटेंस मेरा सही है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आते इंस्ट्रक्टेड। अब यहां देखे वर्ब टू बी, मैंने तो बेसिक वाले में आपको पढ़ाया था वर्ब टू बी क्या होता है, एम इज आर वाज वर, इनके ग्रुप को वर्ब टू बी कहा जाता है। एम इज आर और वाज वेर के ग्रुप को वर्ब टू बी कहा जाता है। अब देखिए कि इसके रूल्स क्या होते हैं, जब भी वर्ब टू बी आएंगे तो जनरली इसके बाद वर्ब फोर आता है, अर्थात वर्ब फोर प्लस आई एन जी, इसी को हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। क्लियर, अब देखिए कि एक रूल हो गया कि इसके पास वर्ब फोर आएगा, लेकिन सेकेंड रूल कहता है कि इसके बाद वी थ्री भी आ सकता है। वर्ब फोर कब आएगा, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में रहेगा, और वी थ्री कब आएगा, जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में रहेगा। तो यहां तक देखिए कि सेंटेंस में कोई भी गलती हमें नहीं मिला, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है, टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया टू फॉलो। अब यहां पे एक रूल हमारा बन रहा है कि जब एक वर्ब आपका पहले से दिया हुआ हो तो अगला वर्ब जो आता है, जो नेक्स्ट वर्ब होंगे, वो जनरली टू प्लस वर्ब वन से जुड़ते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि हर बार नहीं बोल सकते, बट जनरली जो रूल से कहता है कि एक वर्ब के बाद आने वाला दूसरा वर्ब आपका टू प्लस वर्ब वन से होता है। यहां तक हम लोग पहुंच गए, कोई एरर हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। अब आ जाते हैं एन यूनिफॉर्म मेथड। इस पार्ट में लिखा एन यूनिफॉर्म मेथड। अब देखे यूनिफॉर्म मेथड, इसके पहले एन लगा है। अब देखे लग रहा है कि यहां पे मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखे क्या दिक्कत क्या होगा एन यूनिफॉर्म मेथड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एन यूनिफॉर्म मेथड गलत लग रहा है, यहां पे होना चाहिए अ यूनिफॉर्म मेथड। क्यों, कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए यहां पे हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड। अगर आर्टिकल हम लोग ए और एन की बात करते हैं, जब ए और एन हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग मेनली जो स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग जहां से पढ़ते आते वहां पे सिखाया जाता है कि अगर कोई नाउन जिसके पहले हमें एन लगाना है वो मस्ट शुरू होना चाहिए ए ए ई आई ओ यू से। तो ये बात देखिए कि आपने यहां पे पढ़ के आए ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड शुरू होगा उसके पहले हम एन लगाएंगे, क्या ये सही है। आप जब कंपटीशन लेवल में आ गए तो सोचिए क्या हम ये जो पढ़े हैं क्या यह सही है, तो ये गलत होगा। अब हम देखें कि वॉवेल के अनुसार नहीं लगकर थोड़ा सा बस चेंज होता है, वॉवेल साउंड के हिसाब से आर्टिकल ए और एन का निर्धारण हम लोग करते हैं कि कहां पे एन लगेगा और कहां पे ये लगेगा, ना कि इससे कोई हमें मतलब नहीं है। वो इंग्लिश के ए टू जेड किसी भी लेटर से शुरू हो, अगर उसका साउंड वॉवेल जैसा होगा तो उसके पहले एन आएगा, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा होगा तो उसके पहले ये आएगा।
अब देखें कि यहां पे बात है जो हम लोग पढ़े कि यूनिफॉर्म यू से शुरू है जो कि वॉवेल होता है, बट क्या साउंड भी है वॉवेल वाला आ रहा है यहां पे यू, ऐसे लिखते यूनिफॉर्म। अब बताइए ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वॉवेल साउंड कौन होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कौन होता है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। जब भी आपको आ आ ई औ तक, मेनली औ तक अगर आ रहा है इट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, और जब कैसे आपको यह तक आ रहा है तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कभी इसमें प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए कि कब एन लगेगा और कब ये लगेगा। जब भी आपके प्रोनाउंसिएशन इसके किसी भी वर्ड के उच्चारण अगर आ आ ई ई से अगर आ जाए तो उसके पहले एन लगाएंगे, अगर जिनका उच्चारण क ख ग घ से आ जाए तो उसके पहले हम ये लगाएंगे। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो मेरा एरर था यहाँ पे एन के साथ था, इसे हटाकर यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा ए और एन का रूल्स आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, बस इतना ही मेन रूल यही होता है वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अगले एरर की ओर। द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अब इसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी है, थोड़ा सा देखे दिमाग लगाइए, देखे जरा कहां पे आप फाइंड आउट कर पाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा एरर है, कहीं से भी आप ढूंढिए कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा कि कहीं एरर है ऐसा। चलिए देखते हैं हम। द न्यूज पेपर्स याद रख सही है पुलरन नॉन, आगे चले दे एडमिट। अब इस दे का यहां पे क्या है, प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब। अब यहां पे तो सही हो रहा है कि सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, होता है यही है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है, बट ये बीच में दे क्या करने आया है यहां पे, ये थोड़ा गौर करने वाली बात है कि दे आखिर यहां पे करने क्या आया है। लग रहा है कुछ यहां पे दे का मतलब होगा, अगर इसे हम हटा करके नॉर्मली अभी कुछ नहीं करते हुए सिर्फ हटा करके हम पढ़े द न्यूज पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी, अब लग रहा है सही है। इट मीन्स यहाँ पे दे का यूज सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया गया, ये सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस यूज। सुपरफ्लुअस कहने का मतलब होता है कि वैसी चीज जो जरूरत न हो और जबरदस्ती वहां पे लगा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। यहाँ पे दे का यूज ना करके सिर्फ सेंटेंस ऐसे ही ये सही हो जाता। क्लियर? तो फ्रेंड्स, एसीसीएमटी सम 2013 के क्वेश्चंस अभी कर रहे थे, क्लियर, जिसमें 10 कॉमन एरर आए थे। इस वीडियो में मैंने आपको 5 कॉमन एरर्स करा दिए, ज्यादा अगले जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको अपलोड करूंगा। सो, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। थैंक यू, कीप वॉचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर।